ये कहानी बेला और विक्रम की। बेला एक बेहद पॉजिटिव पर थोड़ लड़की थी। हर हफ्ते वो प्यार पाने का पक्का तरीका वाली वर्कशॉप में जा पहुंचती। वहीं थे विक्रम, जो इन वर्कशॉप्स को पैसे फेंकने का कुआं मानते थे, मगर अपनी माँ के कहने पर आते थे। एक दिन बेला की जेब से आंखों ही आंखों में बात करो वाला टास्क गिरी विक्रम के सामने। बेला ने तुरंत उसे प्यार भरी नजरें दी, लेकिन विक्रम तो सो रहा था। उसकी नींद में भी आंखें थोड़ी खुली रहती थी। बेला को लगा ये प्यार का इशारा समझ में आ गया। अगले हफ्ते प्रेम पत्र लिखिए का टास्क मिला। बेला ने विक्रम को एक लंबा चौड़ा खत लिख डाला, जिसमें आपकी टूटी हुई नाक आपकी क्यूटनेस बढ़ाती है जैसी दिलचस्प बातें लिखी। ये दरअसल बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त विक्रम की नाक टूटी थी। बेला को ये जानकारी कहां से मिली, ये तो रहस्य ही रहा। विक्रम ये सब पढ़कर भौचक्का रह गया। गुस्से में वो बेला को खरी खोटी सुनाने क्लास पहुंचा, मगर बेला ने उसे निडरता से रोका और कहा, गुस्सा प्रेम का दूसरा रूप होता है। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उस दिन के बाद दोनों अक्सर बातें करने लगे। बेला की पॉजिटिविटी और विक्रम की तार्किकता एक अजीब कॉम्बो बनाते थे। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार कोई वर्कशॉप नहीं सिखा सकता, वो तो दो पागलों की तकरार और बेवकूफियों में ही मिलता है। इस तरह शुरू हुई बेला और विक्रम की लव स्टोरी, जो एक हंसी और थोड़ी उटपटांग कहानी थी। बेला और विक्रम, हंसी से भरी एक प्रेम कहानी। सोचिए, एक शहर में रहती थी बेला, जो हमेशा खुश रहने वाली और थोड़ी अजीब लड़की थी। हर हफ्ते वो प्यार पाने का पक्का तरीका वाली वर्कशॉप में जा पहुंचती थी। वहीं रहता था विक्रम, जो इन बेकार यूजलेस वर्कशॉप्स को पैसे बर्बाद करने का जरिया मानता था, मगर अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर था। एक दिन बेला की जेब से आंखों ही आंखों में बात करो वाला टास्क गिर गया ठीक विक्रम के सामने। बेला ने तुरंत उसे प्यार भरी नजरें, लविंग आईज दी, लेकिन विक्रम तो सो रहा था। उसकी नींद में भी आंखें थोड़ी खुली रहती थी। बेला को लगा ये तो प्यार का इशारा है। अगले हफ्ते प्रेम पत्र लिखिए का टास्क मिला। बेला ने विक्रम को एक लंबा चौड़ा खत लिख डाला, जिसमें अजीबोगरीब बातें स्ट्रेंज थिंग्स लिखी, जैसे आपकी टूटी हुई नाक आपकी क्यूटनेस बढ़ाती है। दरअसल बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त विक्रम की नाक टूट गई थी। बेला को ये जानकारी कहां से मिली, ये तो रहस्य ही रहा। विक्रम ये सब पढ़कर हैरान रह गया, वॉज शॉक्ड। गुस्से में वो बेला को डांटने स्कोल्ड क्लास पहुंचा, मगर बेला ने उसे निडरता से रोका, फियरलेसली स्टॉप्ड हिम, और कहा, गुस्सा प्रेम का दूसरा रूप होता है, एंगर इज अनदर फॉर्म ऑफ लव। विक्रम हक्का बक्का रह गया, वो स्पीचलेस। उस दिन के बाद दोनों अक्सर बातें करने लगे, स्टार्टेड टॉकिंग ऑफन। बेला की खुशमिजाजी हैप्पीनेस और विक्रम की तार्किकता लॉजिक एक अजीब कॉम्बो स्ट्रेंज कॉम्बो बनाते थे। उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज्ड, कि प्यार कोई वर्कशॉप नहीं सिखा सकता, वर्कशॉप कान टीच लव, वो तो दो पागलों की तकरार, क्रेजी पीपल्स फाइट और बेवकूफियों सिली थिंग्स में ही मिलता है। इस तरह शुरू हुई बेला और विक्रम की लव स्टोरी, लव स्टोरी जो हंसी लाफ्टर और थोड़ी उटपटांग घटनाओं, अ बिट ऑफ क्रेजीनेस से भरी।